सुप्रीम कोर्ट ने रेप पीड़िताओं पर होने वाले टू फिंगर टेस्ट पर नाराजगी जताई है। 2013 में बैन के बावजूद यौन उत्पीड़न पीड़ितों के टू फिंगर टेस्ट का अभ्यास जारी रखने पर नाराजगी जताई और कहा टू फिंगर टेस्ट फिर से पीड़िता को आघात पहुंचाने जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी कि बलात्कार के मामलों में टू फिंगर टेस्ट करने वाले व्यक्तियों को कदाचार का दोषी ठहराया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कॉलेजों में अध्ययन सामग्री से टू फिंगर टेस्ट को हटाने का आदेश दिया है और कहा कि बलात्कार पीड़िता की जांच की अवैज्ञानिक आक्रामक तरीके से करने से यौन पीड़ित महिला को फिर से आघात पहुंचता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा टू फिंगर टेस्ट इस पितृसत्तात्मक सोच पर आधारित है कि यौन रूप से सक्रिय महिला से रेप नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी को बरी करने के हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया है और आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक मामले में फैसला सुनाते हुए एक दोष सिद्धि को बहाल करते हुए टू फिंगर टेस्ट पर नाराजगी जाहिर करते हुए जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा पीड़िता के यौन इतिहास के साक्ष्य मामले के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में टू फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक माना था और कहा था कि ये टेस्ट नहीं किया जा सकता। टू फिंगर टेस्ट में पीड़िता के प्राइवेट पार्ट में एक या दो उंगली डालकर उसकी वर्जिनिटी टेस्ट की जाती है। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है ताकि ये पता लगाया जा सके कि महिला के साथ शारीरिक संबंध बने थे या नहीं। अगर प्राइवेट पार्ट में आसानी से दो उंगलियां चली जाती हैं, तो महिला को यौन रूप से सक्रिय माना जाता है और इसे ही महिला के वर्जिन या वर्जिन न होने का सबूत भी मान लिया जाता है। ये इस धारणा पर आधारित है कि एक महिला जो यौन रूप से सक्रिय है उसके साथ यौन उत्पीड़न की संभावना कम है। कई निर्णयों और शोधों से पता चलता है कि किसी व्यक्ति के यौन इतिहास का यौन उत्पीड़न से कोई संबंध नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व वाली एक पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस अदालत ने बार बार बलात्कार और यौन उत्पीड़न के मामलों में टू फिंगर टेस्ट के इस्तेमाल की निंदा की है। इस टेस्टिंग का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है क्योंकि साइंस इस तरह के टेस्ट को पूरी तरह से नकारती है। साइंस का मानना है कि महिलाओं की वर्जिनिटी में हाइमन का इंटैक्ट होना सिर्फ एक मिथ है। ब्यूरो रिपोर्ट।